तो इस वीडियो में देखने वाले फोन पे को लॉगिन कैसे कर सकते हैं, उस भी 4 डिजिट पासवर्ड बिना डाले। तो आप भी अपने फ़ोन में जो होता है फोन पे, उसमें पासवर्ड लगा दिए हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है यहाँ पे मेरे फोन पे का पासवर्ड क्या है, इसको लॉगिन कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत आसान बताएंगे इसको, फोन पे को लॉगिन करना काफ़ी आसान है बिना पासवर्ड के। बस हमारे इस वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखते रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोन पे को लॉगिन करने के लिए, बिना पासवर्ड को लॉगिन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे हम लोग बैक कर लिए हैं। बैक करने के बाद हम लोग फोन पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो मेरे पास नंबर है यहाँ पे नंबर इंटर कर लिए हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास आता है, इंटर योर 4 डिजिट पासवर्ड, मतलब मुझे ये पासवर्ड याद नहीं है। तो इसको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ट्राई अनदर अवे, मतलब आप दूसरे तरीका से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो जस्ट आप यहाँ पे ट्राई अनदर अवे पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पास 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं, लॉगिन विद ओटीपी, मतलब आप ओटीपी के माध्यम से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। और एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लॉगिन बाय सेंडिंग एसएमएस, मतलब आपको मैसेज पे कोई ओटीपी आएगा, मैसेज आएगा, उस मैसेज में ओटीपी आता है, ओटीपी को इंटर करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। जस्ट यहाँ हम लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो नंबर यहाँ पे डाले हैं फोन पे में, उस नंबर को आपके फ़ोन में होना चाहिए, तभी यहाँ पे लॉगिन हो पाएगा। जस्ट यहाँ पर नंबर मेरे फ़ोन में है, उसके बाद इसको लॉगिन करने के लिए लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ओटीपी यहाँ पे रिसीव हो जाता है। जस्ट हम यहाँ पे कुछ देर वेट कर लेते हैं। वेट करने में देख सकते हैं यहाँ वो ऑटोमेटिक ओटीपी रिसीव कर लिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन मांगा जाता है। यहाँ पे परमिशन देना चाहते हैं तो लोकेशन का दे सकते हैं। यहाँ पे फिर से फोन पे में कॉल यहाँ पे सभी को हम अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद देख सकते हैं मतलब फ़ोन पे जो है उसको लॉगिन हम कर पा रहे हैं, यहाँ लॉगिन हो चुका है बिना पासवर्ड डाले, सिर्फ ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ओटीपी भी आया होगा, देख सकते हैं यहाँ ओटीपी आया है। ऐसे अपने फ़ोन पे को लॉगिन कर सकते हैं बिना ओटीपी के, याद है तो याद भी कर सकते हैं, दोबारा पासवर्ड बना सकते हैं ऐसे ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।